मुकाबला इस समय और यह फाइनल मुकाबला गाजियापुर से अमेरिका। फाइनल में आप सभी का स्वागत है, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर में फाइनल मैच नित्य एंड कंपनी और रिंकू एंड कंपनी के बीच खेला जा रहा है। अनिकेत सिंह पहली गेंद और पहला ही वहां मुरारी उपलब्ध है और कैच छोड़ दिया अंपायर का इशारा। जरूर मिड विकेट से दौड़ कर रहा पहुंचे देश के अर्लेक बाउंड्री के पास, दीप्स के अर्लेक के पास आ, लेकिन मिला चौका मिला छक्का मिला हुए 6 रन मिले यहां पर छक्के के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाते हुए रिंकू यादव। एक गेंद छक्का जरूर मिस टाइम शॉट था, जान हलक में थी वहां पर रिंकू यादव की, लेकिन उसके बाद जब गेंद पार हो गई तो थोड़ा सा फाइनल शुरू हो चुका है। फटाफट जुड़ जाइए, शेयर कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। फाइनल मैच शुरू हो चुका है रिंकू एंड कंपनी और नित्य एंड कंपनी के बीच। अनिकेत सिंह अगली गेंद ओए होए तेज बॉल नीचे की तरफ है, जरूर वहां पर दौड़ते हुए खिलाड़ी मिस हुआ है वहां पर नित्य से, सिंह का जरूर मिलेगा भाई के रूप में। एक एक रन अब जरूरी महत्वपूर्ण हो जाएगा गौरी के इन सभी खिलाड़ियों के लिए, बचाना पड़ेगा लेकिन गोपालपुर के खिलाड़ियों और बल्लेबाजों के लिए अब तो एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण की जितना ज्यादा बड़ा लक्ष्य रखा जाएगा, क्योंकि नित्या की बल्लेबाजी वन मैन आर्मी की बल्लेबाजी आप सभी ने देखी वो जरूर देखने को मिलेगा। अनिकेत सिंह तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, 2 ओवर अनिकेत सिंह कराएंगे, 2 ओवर शायद पवन को 1 ओवर मिल सकता है, लेकिन उसके बाद नित्या भी शायद 1 ओवर आजमा ले। नौ बॉल का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 8 रन पहला ओवर प्रगति पे। आज मुझे देखना है क्या फ्लिंट ऑफ को अजमाया जाएगा, फ्री हिट दी जाएगी, ये गेंद चले प्रदीप के लिए। शेर का टकरार जब शेर से होता है ना तो ललकार भी मजेदार होती है, आज थोड़ा सा मजेदार और आएगा इस फाइनल मुकाबले के अंदर। प्रदीप यादव अनिकेत सिंह और दोनों खेमों के बीच में फाइनल मुकाबला। अनिकेत सिंह एक बार फिर चौके, जानदार गेंदबाजी नित्या का तब्दीलियत देखिए, पहले नित्या खड़े थे वहां पर लॉन्ग और मिडन के पास, फिर उसके बाद तब्दील करके विकेट के पीछे लेके चले आए कि भैया मेरी जगह यही पक्की रहने दो, मैं यहीं से कर लूंगा जो करना होगा, तो अभी बदलता रहेगा समा, चलता रहेगा समा, लेकिन फाइनल मुकाबला रुकने का नाम नहीं लेगा, झुकने का नाम नहीं लेगा भैया। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन पे बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पे, 6-6 ओवर का मुकाबला, शानदार मुकाबला। चले गेंदबाज अनिकेत सिंह, गेंदबाजी आज कभी इनके खिलाफ और कभी इनके साथ खेलता था, आज इनके खिलाफ खेलने का मौका मिला है। जी हाँ, ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि रिंकू की टीम से भी खेलते हैं और इनके खिलाफ भी खेलते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, तो क्योंकि ये हिंदुस्तान है यहाँ मेल मिलाप ही चलते हैं, तो कितना भी कर लीजिए आप, बैर कर लीजिए या शेयर कर लीजिए, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो आप जाते देखिएगा। लेकिन जरूर वहां पर पैर पर गेंद लगी, 1 रन और मिलता हुआ, 3 किलो चेक का मर गया ना कि मोइलक मार दिया, मोइलक मत मार दिया। और साइड कर दीजा ला भैया, ठीक बा पवन चौरसिया, दूसरा ओवर कैच का चांस है, पवन चौरसिया रन आउट का भी चांस है और पकड़ा जाता तो शायद चारों खाने का चित कर दिया जाता, लेकिन पकड़ा नहीं गया। अनिकेत सिंह तेज तर्रार थ्रो जरूर मारा था लेकिन पवन चौरसिया नजरें टिका नहीं पाए अंत मौके तक गेंद को पकड़ने के लिए। शानदार नित्या चलेगा, कौन पहुंचा पहाड़ के नीचे आएगा क्या,
पवन चौरसिया। ओए इस बार प्रदीप यादव की बारे, जबरदस्त छक्का प्रदीप के बल्ले से। पीछे ढकेलिएगा तो समझिए कि आप ढकेलने वाले हैं कहीं ना कहीं। आए बाएं टेढ़े तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार बल्लेबाजी, सोच विचार कर शांत मौके से बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना इस समय पवन चौरसिया। ये दो ओवर ऐसे होंगे, शानदार गेंद, वाइड का इशारा हो सकता है, बिल्कुल वाइड का इशारा, एक रन और अतिरिक्त के तौर पर स्कोर पहुंचा 17 रन बिना किसी नुकसान, 18 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर पवन भागलपुर। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी। पटकी हुई गेंद, फिर से वाइड का इशारा होगा, फिर से वाइड का इशारा, दूर रखने की कोशिश जरूर रहा लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास नित्या जैसा बल्लेबाज, नित्या जैसा कप्तान होता है ना, और सामने वाले के पास रिंकू जैसा कप्तान होता है ना, तो आपके मनोबल 100% और ज्यादा होने चाहिए। अगर मेरी हल्की सी गलती थोड़ा सा कारनामा कर दिखाने में कमी करेगी ना, तो पीछे वाला मेरे साथ खड़ा है, वो उसको परिपाई रूप से परिपूर्ण कर देगा। प्रदीप यादव, क्या बात है, अरे वाह, शानदार बैक टू द बॉलर के ऊपर से एक और छक्का फेंकेंगे और पटक के फेंकेंगे तो भाई छक्का तो खाना ही है। रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं पवन चौरसिया, थोड़ा सा वेरिएशंस करते हैं, इतनी रफ्तार है नहीं इनके पास, लेकिन इसका फायदा मिलेगा बल्लेबाजों को। ये जरूर दिलशान जी भी मेरे से सहमत होंगे, लेकिन इसका फायदा मिल रहा है इस समय। ये लीजिए, यही बात मैं कह रहा था। अरे वाह, दिवाली आ गई है भैया, मुझे लग रहा है। अबे भोले सावन चल रहा, लेकिन दिवाली आज आइए गोइलवा का पड़ा का फूटा था एकदम सक्सेस, हैट्रिक छक्के लगा चुके हैं और ये महंगे साबित होंगे पवन भागलपुर मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि पक्षेंगे नहीं प्रदीप यादव इनको, क्योंकि अगर इनके पाले में गेंद अगर आई तो थोड़ा सा ये देखिए ये नजारा है, ये देखिए, ये सितारा है पवन भागलपुर के सामने खड़ा, ये बल्लेबाज प्रदीप चिल्ला रहा है, नाम मेरा प्रदीप यादव, क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी। स्कोर निरंतर बढ़ता हुआ और बढ़कर पहुंच गया 37 रन पे 37 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे 37 रन। अब हम क्या करें, मौका बनेगा, क्या मौका बनेगा, यहां पर ले डूबे आखिरकार पवन ने, पवन पुत्र हनुमान की तरह संकट मोचन बन के संकट को हर लिया है, लेकिन संकट कटा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के भी 5 भाई थे, उन 5 भाई का आना भी, अभी 4 भाइयों का आना बाकी है, अभी विनय यादव का आना बाकी है, अभी उसके बाद अखिलेश यादव का आना बाकी है, तो बहुत कुछ बाकी है भैया इस खेल के अंदर। क्लियर नहीं चल रहा है, चौरसिया का गेंद से गोला चलाना बाकी है, यूट्यूब चैनल कुछ बाकी है इस मुकाबले के। बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता ये खिलाड़ी, आखिरकार थोड़ा सा नहीं चल रहा होगा, क्लियर भी अंधेरा होता जा रहा है, सूर्य देख सकते हैं डूबता सा जा रहा है, खुद ही खुद छोड़कर भागता हुआ, लेकिन अब आए हैं विनय यादव, ये दो भाइयों की जोड़ी रैंको यादव विनय यादव, तो मुरारी है गेंदबाज इस वक्त, और रिंकू यादव की बात करूं कि भैया पावर लिफ्टिंग इस समय ये फिटनेस की अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक फिटनेस ट्रेनर से, तो इनके पास तो भैया वो तो है ही है, तो देखना पड़ेगा, लेकिन विनय यादव भाई को भी देखना पड़ेगा, आज तो मौका है इनके पास, मुरारी आए हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज, तीसरा ओवर लेकर शॉट, यार ये पावर है, ये शॉट को बहुत देर बाद देखने को मिला है रिंकू यादव बल्ले से। करते हैं ना किसी भी चीज को अपने आप से, तो उसकी पावर जो लगती है वो पावर निकलती है इस बल्ले के रूप में, शॉट के रूप में, मुरारी के अंदर यही कमी है सब एक्शन सब कुछ सेम, भाग बिगड़ेगा भी कैसे, ऐसे बिगड़ेगा, देखते रहिए, क्योंकि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज देव हमारे ढल रहे हैं धीरे धीरे, और इसके बाद अंधेरा होना असंभव नहीं संभव है बिल्कुल। मुरारी समझना पड़ेगा, नित्या कारनामा करेगा, अभी करेगा भैया, विकेट के पीछे से कुछ ना कुछ बुद्धि तो लगेगी, चल रहे हैं मुरारी, ये लीजिए एक और ऊपर, यही गलती करते हैं पवन का डायरेक्ट, और ये गवा दिया भैया, डायरेक्ट पकड़े होते तो रन आउट हो सकता था, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा खैले बने रिंकू भाई की पहुंच जाता ना, काहे कि तीसरा मैच है और दूसरी बार बच चुके हैं, स्कोर पहुंच गया अभी भी इनका 44 रन,
बलिया देवरिया समझ लीजिए टीम, बलिया देवरिया टीम खेल रही है, मगर के नुकसान पर 44 रन। गांव का नाम भाई मैं भूल जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पकड़ने वाले की गलती, मैंने मैच गेंदबाज की, जब तक वो फॉलो आउट खत्म करके आ रहा है तब तक उसकी नजरें सही तरीके से टिक नहीं पा रही उस गेंद की तरफ, अगर वो चिपक जाता और पकड़ लिया जाता तो शायद रिंकू यादव बाहर हो जाते। चले मुरारी भीने के लिए, अरे लीजिए बोल्ड कर दिया है, मुरारी ने बोल्ड मार दिया है, सही सही। मैंने बोला था कि नित्या विकेट के पीछे से चहलकदमी करते रहते हैं ना, उनकी जो रणनीतियां तैयार होती हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे भैया, तालमेल की कमी जब होगी ना तभी कुछ गड़बड़ होगा बल्लेबाजों के बीच में, तो ये ऐसा है। इतनी कमेंट्रियां मैं कर चुका हूं इनके खेल इनके प्रदर्शन के खिलाफ में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाके कि मैं जानता हूं पर्सनली तौर पे, लेकिन सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं पिछला मैच के खिलाड़ी, लेकिन अब आ रहे हैं आनंद साहनी बल्लेबाजी करने के लिए, है ये है सामने सारे प्लेयर प्लेइंग 11 नहीं दिखा पाए हैं, थोड़ा सा नेटवर्क यहां स्लो चल रहा है, बोल्ड कर दिया है मुरारी ने, उसके बाद बल्लेबाजी करने आए आनंद साहनी के, खेमा इस समय थोड़ा सा, लेकिन मैं अब ये कहूंगा मुलायम भाई नहीं है भैया, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर रखना पड़ेगा भैया, आपकी बारी आने वाली है, इसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो बल्लेबाजी में थोड़ा सा हाथ आजमाना पड़ेगा, ये वो याद करना पड़ेगा वो मुकाबला जब 99 रन बनाए थे आपने, मेरी कमेंट्री जब मैं कर रहा था, वो एकमात्र मुकाबला जब आप पराजित जरूर हुए लेकिन एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने महान महान गेंदबाजों को निशाना होता है, ये आनंद साहनी का शॉट देखिए, पैरों के पास कर ले गेंद लेकिन पड़ लिया, लो फुल टॉस बनाकर खेला उसको, अपने गति का इस्तेमाल बल्ले में ताकत देखिए भैया, इसको बोलते हैं बल्ला, बैट देखिए, ये सिर्फ आपके मतलब शॉट से नहीं, कलाई सारा एक्शन सब कुछ मुरारी का ही है, राम विकास का ही है, 50 रन पूरे हो चुके हैं इसी के साथ, ये देखिए और जड़ में सारी गेंदें फेंकने की कोशिश करते हैं, जिसके नुकसान होता है कि छक्के मारे मौसम देख रहे हैं, जरूर संतुष्ट होना पड़ेगा, स्कोर पहुंचा देवरिया का प्लेयर, देवरिया गेंदबाज है, हम चाहते हैं एक अच्छी गेंदबाजी करे ये लड़का और आगे तक क्रिकेट खेले। दिलीप जी बिल्कुल सामने खड़े हैं बैक टू द बॉलर के पीछे, गेंद को पकड़ने के लिए, कैचेस को पकड़ने के लिए, रनों को चौकों को रोकने के लिए, लेकिन प्रदीप आउट हो चुके हैं, तैयार होना पड़ेगा मानसिक तौर पर बल्लेबाजी के लिए, और शानदार गेंदबाजी, स्पीड से स्लोवर डिलीवरी, ओवर समाप्त, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ पहुंचा 51 रन 2 विकेट के नुकसान, थोड़ी देर के लिए हिले, 3 ओवर फाइनल मुकाबला, एक दिवसीय गाजियापुर फाइनल मुकाबला, पानी पहुंचाइए भैया, भैया पानी तैयार रखिए इस फाइनल मुकाबले के अंदर, पानी बहुत ज्यादा लगेगा, सेमीफाइनल हो जाना हो लेकिन फाइनल के अंदर पानी आपको हर एक ओवर के बाद देना पड़ेगा, क्योंकि मिनट मिनट के बाद रणनीतियां तैयार होती है। नित्या इस समय गेंदबाजी करने आएंगे चौथा ओवर लेकर, मुझे जहां तक आशा है शायद एक विकेट दो विकेट निकाल दे, लेकिन देखना पड़ेगा किस प्रकार बल्लेबाजी होती है, क्या फ्लिंट ऑफ ओवर कराएंगे, क्या इनको मौका दिया जाएगा नित्या के द्वारा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कटर गेंदबाज बहुत शानदार गेंदबाज है ये, बहुत बड़ा नाम फ्लिंट ऑफ, राहुल सिंह उर्फ फ्लिंट ऑफ पवन भागलपुर, क्या बात है, जरूर मार पड़ी इनको लेकिन अंततः मौके पर उस मार को भी रोक कर दिखाया इन्होंने, शानदार शानदार वाइड का इशारा, राउंड ऑफ एक्शन पे और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ वहां पर, गोपालपुर के 51 रन हो चुका है, स्कोर तो सही चल रहा है, मगर जैसी बल्लेबाजी नित्या ने की है उसके लिए, मगर गेंदबाजी भी अच्छी है, मैच में मजा आएगा इसमें, विक्रांत यादव नहीं है भाई, चले गेंदबाज, ये देखिए बस हल्के हाथ से छक्का लगाया है, सीधा जाएगा बाउंड्री लाइन पर, एक और फ्लैट छक्का के आनंद साहनी, ये पोजीशन कंपनी में जल्द ही अगले टूर्नामेंटों में खेलते हुए बड़े टूर्नामेंटों में खेलते हुए दिखाई देंगे, पहले जितने मैचेस हुए उसमें कौन खेलने आया, उसके बाद जब फाइनल मुकाबला हुआ तो उसमें किसको लाकर खड़ा किया, आनंद साहनी को, कि भैया मुझे राइट आर्म और लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इनके तरफ से लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी है और राइट आर्म गेंदबाज भी है, शानदार गेंदबाजी इसे पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ रहती हुई, अच्छी गेंदबाजी मिस हुई जरा वहां पर, विकेट कीपर के हाथ से एक रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंचा 59 रन, चौथा ओवर इस समय नित्या के द्वारा प्रगति पर चलता हुआ, रणनीतियां चल रही है, चल रही है दोनों खेमों से रणनीतियां, बाहर से भी और बीच मैदान से भी रणनीतियां तैयार होती जा रही है इस समय, चलते गेंदबाज, कैमरे में ये प्रयास आया है कि नहीं, अगर आया तो तालियां भी तो बजा दीजिए करिए,
थोड़ा सा हौसला अफजाई मनोबल बढ़ जाएगा उनका और कि हाँ भैया मैं कुछ कर रहा हूँ अपने जीवन में आप सभी के लिए, आप लोगों के प्यार पाने के लिए। चले गेंदबाज नित्या अगली गेंद, लेकिन थोड़ा सा खासा आउट प्राप्त करते हुए एक रन और मिलेगा, वाइड भी मिलेगा, यानी दो रन जोड़े जाएंगे, स्कोर पहुंचेगा 62 रन। चौथा ओवर और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा हमारे अंपायर के द्वारा। एक दिवसीय कज़ियापुर का यह मुकाबला, फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ, लाइव देख सकते हैं इन मुकाबलों को आप दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक चैनल और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल पर। डाउन द लेग स्टंप, ये गेंद विकेट नजर आ रही थी जब ललचा रहे थे रिंकू यादव वहां पर, लेकिन थोड़ा सा भटक गए, एक वाइड और स्कोर पहुंचा 63 रन। अब इसके बाद शायद मेरे हिसाब से अखिलेश यादव का नंबर है अगर कोई अगर विकेट गिरती है तो। लेकिन अगले गेंदबाज ये तो फंसाने के चक्कर में थे और छक्का देखिए 156 मीटर का ये छक्का है भैया रिंकू यादव के बल्ले से, आख चोहिया जाई बाबू जबले देखबलो गिरी कहा था गड़ा हो जाला 60 मीटर वाला, वाह भाई वाह गजब बा अजब बा। चले गेंदबाज, ये तो ओवर किस थी तो इसका तो ट्रेनिंग का कमाल हो रहा है भैया, मुझे तो इस समय लग रहा है ये जितने पोस्ट जाना है जाना जा रहा है ना भैया, ये सब ओवर किस थी, क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी, नहीं शानदार कप्तान, थोड़े से अच्छा कप्तान, अच्छा इंसान, महान इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व इस समय सामने बल्लेबाजी। लेकिन नित्या निस्ता नाबूत होते हुए गेंदबाजी में अपने आप को कितनी भी परचम बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं तो क्या, सामने दिलीप मौजूद, सिंगल जरूर मिलेगा वहां पर, स्ट्राइक रखने की कोशिश जरूर थी, एक बड़ा शॉट लगाने की, एक और स्कोर पहुंचा। तो चार ओवर हो चुका है, स्कोर पहुंच गया है, अभी हम बताते हैं स्कोर कितना पहुंचा है, स्कोर जोड़ा जा रहा है कुछ, ये गेंद मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फेंकवाई गई है। अंधेरा ना हो जाए, स्कोर बोलो यार, स्कोर पहुंच गया 77 रन चार ओवर के समापन के बाद, 76 रन माफ कीजिएगा। और मौका, ये देखिए अनिकेत सिंह फॉल्ट ऑफ गेंद, एक समय के लिए अनिकेत सिंह को लगा कि बाबू ही का कदर है, यॉर्कर डालने के कोशिश में फुल टॉस आई दादा घाटा गई, लेकिन घाटा तो इस समय रिंकू यादव के रूप में लगता हुआ। सामने पवन भागलपुर भैया कानपुर से खेल के चला लड़का, ये रात पहुंचा रहा है, यहाँ बुला लिया गया, और ये देखिए शानदार शानदार दिख रही है इस समय खेल चलता हुआ, डेड बॉल हो गया, डेड बॉल, डेड बॉल फट गई गेम, फूट में फट गई गेम, अरे फाटल है क्या भैया, सही कह रहे हैं सोनू भगत जी, नित्या को बहुत मार पड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पर चेक किया जाता हुआ गेंद को, चार तीन को छक्का मार दिया, जितना जाना बालो सब जाना हनुमान जी नियर गोले चला बता लो, कमेंट वाले लोग कह रहे हैं एकदम गोला बुझ ले बल के मारा तो एकदम छेदा जा तो फाटी ना 60 रुपया में कितना खेल बोलो मारा ताड़ो 100-100 रुपया के तमाचा 60-60 रुपया गेना खेल ताड़ो, लेकिन अब आएंगे बिट्टू लोहार, बिट्टू लोहार इस समय अनिकेत के सामने गंदा कह मगमी खबर क्या बैठो चला चला थकी गई दे ही छोर मैंने सब चला ही के बाद आई बना तीसरा मैच तो बिट्टू लोहार आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बिट्टू लोहार अब आ चुके हैं, सामना करेंगे अनिकेत सिंह के गेंदबाजी का, अनिकेत सिंह ओए यार आते ही है बिट्टू लोहार के बैट से छक्का गया, मगर पहुंचाते वाणी बाबू ललचाते वाणी बाबू धारा, स्कोर पहुंच गया इस छक्के की मदद से, छलांगे मारता हुआ 82 रन, पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर चलता हुआ, सही कह रहे हैं गेंदबाज तो बहुत है, वाह भाई बिट्टू लोहार वाह,
क्या बात कह रहा भाई, यही मैं कह रहा था कि उभरता हुआ खिलाड़ी हो चुका है इस समय बिट्टू लोहार, चलो आराम में चल रहा है सीजन में। अनिकेत सिंह थोड़ा सा बैकफुट पे, स्कोर पहुंच गया 88 रन, पहले ही बुक कर ले बिट्टू लोहार। पांचवा ओवर प्रगति पर इस समय फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ। अनिकेत सिंह सोच विचार करते हुए, नित्या क्या गेंदबाजी का क्या सोच रहे हैं, अब देखना पड़ेगा। चले ध्यान भाई, सही कह रहे हैं आप, ये तो ऊपर की तरफ खेला पवन भागल, थ्रो नहीं कर पाए, शानदार थ्रो, थोड़ा सा पीछे जरूर रहा, लेकिन मैं पवन भागलपुर से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे अंपायर साहब साउथ अफ्रीका से बुलाए गए भैया, उनको चोटिल ना करें, ना तो वो चोटिल हो जाए। तो बहुत हो गया रेहान भाई, सही कह रहे हैं, बहुत मोटा हो गया है, 23 रन तो खर्च किया, कह रहा है 3 छक्के दिए हैं बस। रेहान भाई वो लीग के भेजने वाला अकाल भी रेहान अफ्ताब, परसों भेजा जाए यही। चले गेंदबाज अनिकेत सिंह आनंद के लिए, ओए कर दिया कैच यार, क्या प्रयास किया है भाई, आगे डीप होती हुई गेंद को प्रयास किया है, बहुत लाजवाब प्रयास में 100 में से 100 नंबर उस खिलाड़ी के लिए, बहुत शानदार वो खिलाड़ी, बेहतरीन। एक रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंचा, एक रन की मदद से 90 रन स्कोर पहुंच गया है। शेयर करते रहे, फॉलो करते रहे दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर यूट्यूब और फेसबुक को, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर यूट्यूब और फेसबुक को। अंतिम गेंद है इस ओवर की, पटकी हुई गेंद और ये देखिए छक्का, यही मैं कह रहा था कि बिट्टू लोहार अब चारों तरफ खेलने लगे हैं, पहले था कि बिट्टू लोहार बस कवर्स और स्टेट में खेला करते थे, मगर अब शॉर्ट पिच गेंदों को भी बॉडी पे खेलने में दिक्कत होती थी बिट्टू लोहार को, मगर अब शॉर्ट पिच गेंदों को भी बहुत लाजवाब खेल रहे हैं। आखिरी ओवर है, मुरारी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, क्या वेरिएशन करेंगे, क्या विकेट निकालेंगे, थोड़े से स्कोर पहुंचा दिया है 96 रन गेंदबाजी करने, जिन्होंने 4 रन दूर मात्र शतक से, शानदार गेंद, बेहतरीन गेंद, सामने की तरफ खेलना चाहते थे आनंद साहनी, लेकिन मात्र 4 गेंद खेले बिट्टू सिंगल की मदद से, लेकिन नित्या क्या सोच रहे होंगे, कितना लक्ष्य मिलेगा और क्या पार कर पाएंगे। रेहान भाई अभी इससे पहले वाले मैच में नित्या ने 92 रन की पारी खेली है, चले मुरारी आनंद साहनी तैयार, मुरारी तैयार, ये गेंद मुरारी के लिए, आप ये तो फुल टॉस गेंद थी, अगर मेरी कमेंट्री को सुन रहे होंगे, शानदार 100 रन पूरे कर लिए हैं, 102 रन बना गए हैं मुरारी, अगर मेरी कमेंट्री को सुन रहे होंगे, अभी भी पहली इनिंग की बची है इस फाइनल मुकाबले के अंदर, तो जरूर जाके देखेंगे, हमारे मुख्य अतिथि कई बार कहा है कि वो विकेट मुकाबले का जरूर आते हैं, विकेट को मारने जरूर आते हैं, और खास कर नेटवर्क क्लैप्स कर रहा है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, शॉट्स हाईली शॉट्स जो देखने को मिले। चले गेंदबाज मुरारी, ये तो खराब गेंद, इस बार पीछे, इस बार सही नहीं रख पा रहे हैं मुरारी के पास, और एक और छक्का, यह पहली पारी है भाई, स्कोर पहुंचा 108 रन, वाह वाह, आनंद ने आनंद कर दिया है सभी को अपने बल्लेबाजी से, हर्ष उल्लास फैला रखा है अपने खेमे के अंदर और खासकर दर्शकों के दिलों में, शानदार बल्लेबाजी का नमूना। चले मुरारी अगली गेम, आनंद साहने इस बार फिर से खेलना चाहते थे स्केरलेक के पास, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पर, एक रन मिल चुका है, दूसरा ले सकते हैं क्या लेंगे, लेकिन एक और झटका होगा, एक और झटका, अब आएंगे अखिलेश यादव, थोड़ा सा निचले नंबर पर ढकेला गया है कप्तान के द्वारा, लेकिन इसीलिए ढकेला गया है कि पोलार्ड के रूप में ये काम करते हैं अपनी टीम के लिए, जिस प्रकार मुंबई इंडियंस के लिए पोलार्ड खेलते हैं और नीचे स्तर पे 6-7 नंबर पे आके स्कोर बोर्ड में जब 20-30 रन कम होते हैं वो पूरा करते हैं, वो काम करते हैं ये। सोनू भगत भाई ये सब बातें आप कह सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, मुरारी चलता क्या बताए, एक बार तैयार अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश आए हैं बल्लेबाजी करने, चले मुरारी अगली गेंद बची है, ये बढ़िया गेंद थी मुरारी की, और अगर खेलने में माहिर है मुरारी, मौजूद वहां पर मुरारी क्षेत्र पर दूसरा रन लेना चाहते हैं, क्या पूरा हो पाएगा, और लगा दिया क्या, और आउट का इशारा, अरे वाह, एक रन था आखिरी गेंद पहली इनिंग की, बिट्टू लोहार तैयार, फुल टॉस गेंद और हवा में है, प्लेयर वहां मौजूद है, तो हाँ वो बता रहा है कि नहीं पकड़ पाएंगे, और 6 रन, गिरीशवा कबले छूटी, हमारा बुझाते नहीं के,
लाग कहां से जाता। चलिए तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाया है गोपालपुर ने 117 रन बनाने और शानदार बल्लेबाजी निचले स्तर पर चार नंबर पर आकर खेल के गए बिट्टू लोहार अपनी बल्लेबाजी के दम पर स्कोर पहुंचाया 117 बनाने हैं निर्धारित 6 ओवरों में गौरी को इस मुकाबले को फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अपना काम बल्लेबाजों ने कर दिया, अब गेंदबाजों को किस प्रकार कराएंगे। विकेट के पीछे से रिंकू यादव अब देखना पड़ेगा। अनुप है गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, उसके बाद आनंद साहनी है। 6 गेंदों पे 31 रन बनाकर गए हैं बिट्टू लोहार, नाबाद वो भी, क्या बात है। छा गई लग गुरु, फटाफट फटाफट स्टार्ट करो फटाफट। क्योंकि सूरज लाल हो चुकल बा, चार ओवर में दिक्कत हो जाए। भैया फील्डिंग लगा लीजिए और बल्लेबाज भेज दीजिए। अंधेरा जैसे जैसे होता जाएगा गेंद की विजिबिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी। अरे बल्लेबाज आओ यार फटाफट। और हमारे 229 नंबर वाले टी शर्ट के बड़े भाई हमारे बाबू सिंगल दुखी में तो मजे ना मिला, जले गेनावा बैठवा झला के पारवा ना जाओ पाकिस्तान में। इधर आओ 117 जीत बना, अगर स्कोर कंफर्म कर लो। कौन भाई कितना, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिनकी ये किट पहन के घूम रहे हैं ना इस समय जो खेल रहे हैं हमारे प्रदीप भाई, उत्तम इलेवन, ये इलाहाबाद टीम के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं उत्तम जी। 116-17 पल्सर कप जीता था इन्होंने, स्कोर पहुंचा है 116-117 बनाने हैं, 116 और जीतने के लिए चाहिए 117। एक तरफ अनिकेत, एक तरफ नित्या, जलवा क्या नित्या, आहा मजा आएगा। अखिलेश यादव गेंद कराएगा, नित्या बड़े बड़े छक्के क्या लगा पाएगा देखना पड़ेगा। त्रेहान भाई कह रहे हैं कि 50 लगाएगा नित्या, तो देखिए क्या मुकाबला। साइकिल से आई चाहे बैलगाड़ी से आई, मजा उठाइए मुकाबला के। फाइनल मैच चलता हुआ इस वक्त, जीत के लिए 6 ओवर में 117 रन चाहिए। भगवान तो स्कॉर्पियो वाला टांग दुगु दिले मारा। अखिलेश चले पहली गेंद, पहली गेंद और 6 रन नित्या के बल्ले से, बहुत ही लंबा सिक्स। आज बुझाता जहां खत्म किया था वहीं से शुरू किया है नित्या ने। वाह भाई वाह, गजब, पहली गेंद 6 रन से खाता खोला है। तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अखिलेश यादव आज के ही दिन 23 छक्के लग चुके हैं। गेंद कराएंगे, चले गेंदबाज, फुल टॉस गेंद और एक और छक्का। क्या हो गया, एक और चला गया है भैया, 12 हो गया स्कोर, 116 बनाना है, 117 चाहिए। ठीक है, बेल बॉल सही है। और सबसे बड़ी भूमिका इस समीकरण में जो जुड़े हैं हमारे साथ होगा जी, हाँ फाइटिंग तो होना चाहिए। हैट्रिक पे 100 रुपए का इनाम है। चले नित्या, अखिलेश पढ़ने के बाद तेज थोड़ी तरार गेंद आई, वहां पर चौका दिया बल्लेबाज नित्या को, पीछे जरूर अनुप मौजूद थे। बल्लू बिट्टू का बैटिंग चौथा या पांचवा नंबर था इसमें भूमिका निभा रहे हैं इस टूर्नामेंट में हमारे स्कोरर साहब। सुबेरे से लेके बिना गोयले पीले बॉय डल बड़ा विद्यानंद जी, 26 रन बना के सरस्वती ऐसे ही विद्या आपको प्रदान करे और बहुत आगे जाए आप। यही मैं लीजिए एक और सिक्स, बहुत ही हाइट पे है, तीसरा छक्का इस ओवर में, देखिए शानदार एक और छक्का, स्कोर पहुंच गया 18 रन, 4 गेंदे अभी हुई है और 18 रन स्कोर पहुंच गया। दर्शक के मुड़ी खाली नीचेवा से है, ऊपर हेलीकॉप्टर वाली और देखे खातिर जाता कि आज फाइटर वाला है कि प्लेन वाला है। वाह भाई वाह, गजब बल्लेबाजी चलता है इस समय, ये बल्लेबाजी ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। फॉलो सब्सक्राइब, शानदार। लेकिन ये सभी खिलाड़ी आपस में है, सभी मित्र, सभी भाई, सभी दोस्त, सभी एक दूसरे से परिचित, लेकिन खेल के प्रति सभी जागरूक देख सकते हैं। ये लीजिए 6 नित्या का, 5 गेंद 24 रन, लो भैया 5 गेंद में 24 रन खर्च कर चुके हैं, दर्शक देख सकते हैं। आज चालू है, आज बुझा था कि पर्चा भराइए गोल बा। वाह भैया, जिला पंचायती ना तो आज ब्लॉक प्रमुख ही अगला साल लड़बे करिए। वाह भाई,
चले अखिलेश यादव अगली गेंद लेकर। 24 रन की पारी खेली नित्या ने और ये गैप में 6 रन। इस बार चौका क्या कि छक्का क्या, 4 रन बाहर कैसा रहा था वो। एक ओवर के समापन के बाद 28 रन स्कोर हो चुका है। तो रेहान आताब आपको चाहिए और बुकी बजाइए आप। अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर अनिकेत सिंह, 6 फुट का ये खिलाड़ी। आपको याद होगा एक मैच चल रहा था T10 कप जिसमें आपने कहा था कि ये मैच टाई हो जाएगा। देखिए ये सभी खिलाड़ी बहुत शानदार हैं, ये सभी पूर्वांचल के इतने स्टार खिलाड़ी हैं कि अगर इनको मौका मिले ना बड़े-बड़े मैचेस में मैच टाई हो जाएगा। खिलाड़ी प्रीमियर लीग बहुत बड़ा एक बिहार का टूर्नामेंट होता है, उसमें आप प्रदीप यादव की बल्लेबाजी देखिएगा कभी दिलशान क्रिकेटर यूट्यूब चैनल खोल के या फेसबुक चैनल खोल के तब देखिएगा। वाइड का इशारा, वाइड का इशारा इस बार में ताबा। साउथ अफ्रीका का हमारा अंपायर इस बार चकित हो गया कि भैया वाइड है, क्या बात है। एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा 29 रन, शानदार। यह मुकाबला होता है, इसको कहा जाता है महामुकाबला, महासंग्राम खिलाड़ियों के बीच। फॉलो करते हैं दिलशान क्रिकेट सलीमपुर को। अंधेरा कायम होता जा रहा है और ये क्रॉस द लाइन खेले, ऊपर की गेंद को क्रॉस द लाइन खेले। लेकिन जितने भी भूमिका यहाँ निभाई गई आज के एक दिवसीय मुकाबले के अंदर, चाहे वो अंपायर मनीष हो चाहे शैलेश हो, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो इतने सुबह से लेके अभी तक अंपायरिंग करा रहे हो, एक भी निर्णय किसी के पक्ष में नहीं, सभी के निर्णय के हिसाब से, फैसले के हिसाब से, खेल के हिसाब से देते हुए ये बहुत अच्छा लगा। किसी के पक्षपात में कोई यहाँ खेल नहीं करवाता हुआ, ये सबसे बड़ी कमेटी की एक बार तालियां इसके लिए बजा दीजिए अपनी कमेटी के लिए कि कोई पक्षपात यहाँ नहीं देखने को मिला अभी तक। शानदार एक दिवसीय मुकाबला, फर्स्ट बाउंस दिया गया था, मिला गया वहां पर जरूर प्रदीप यादव मौजूद, सिंगल जरूर आसानी से मिला, स्कोर पहुंचा 31 रन, 2 गेंदें हुई हैं। 31 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे, नित्य आ गए हैं स्ट्राइक पर। दिलशान कहां हुए विजय भैया, कहां रहता बुझाता। तो विजय कौन से विजय की बात चल रही है, विजय और ये हमारे देश के युवा वाले धीरे धीरे की राह डगर पर चलते हुए सामने खेले हुए थे वहां पर जरूर मौजूद प्रदीप यादव, तेज तर्रार सीधा दौड़कर गेंद को पकड़ते हुए, लेकिन रन नहीं लिया इस बार नित्या ने। और देखिए पिछले से पीछे विकेट के पीछे से हौसला अफजाई देखिए रिंकू यादव के अपने गेंदबाज और खिलाड़ियों के लिए, शानदार ये होता है मोमेंट। मौका नहीं छोड़ना चाहिए और देखिए आखिरकार नित्या की डगर का वो आखिरी कार गड्ढा खोद दिया गया वहां पर गेंदबाज अनु पर उनके टीम के द्वारा। सलेमपुर वाले लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कर बैठे नित्या, अगर वो रन ले लेते तो शायद आज ये मौका नॉन स्ट्राइक पे वो होते और स्ट्राइक पर अनिकेत सिंह होते और माहौल कुछ और होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादातर अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से निकाल कर बाहर से जब मौके बनते हैं तो ले लेने चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि दिनेश कार्तिक हमेशा आखिरी गेंद पे 6 ही छक्के मार दे और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीता दे, तो जरूरी नहीं होता। लेकिन अनूप चले, ओहो नो लुक शॉट इस बार पवन भागलपुर लगाना चाहते थे, लेकिन अनूप देखिए क्या शानदार गेंदबाज, शानदार गेंदबाज है ये, लेफ्ट आर्म गेंदबाज बांध कर रखा रिंकू यादव का ये खिलाड़ी तुरुप का इक्का इस समय वजीर इस समय निकलता हुआ अपनी टीम के लिए, जानता है कि मुझे बांधना है किसी भी तरह खिलाड़ियों को बल्लेबाजों को और उनको रोक कर रखना है और वो रोकने में सक्षम भी, और उसको देखने को मिला नित्या की विकेट के द्वारा। चले अनुप वाइड इस बार ऑफ स्टंप से खासा दूर, दूर रखने की कोशिश लेकिन एक रन और मिलेगा, स्कोर पहुंचा 32, 116 बनाए, 117 बनाने हैं फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। एक दिवसीय यह मुकाबला खचा खच भरा स्टेडियम, चले अनुप पवन भागलपुर के लिए और एक और स्लोवर डिलीवरी, थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे पवन भागलपुर और अनिकेत सिंह गेंदबाजों को, लेकिन कारनामा जो पीछे विकेट से हो रहा है ना, विकेट के पीछे का जो कारनामा है वो बेहतरीन है भैया। 15 छक्के 90 गेंदबाज, जब तक आपका कप्तान जब आपके ऊपर भरोसा वो जताता है ना तो आपको भी अपने आप पर भरोसा जता के अपने कप्तान के भरोसे पर एकदम जायज उतरना चाहिए, सफल उतरना चाहिए। चाहे निर्णय कोई भी वो फैसला आपके हक में हो या ना हो या कहीं भी चला जाए निर्णय कहीं हो, लेकिन उसके बाद भी आ चुके हैं गेंदबाजी करने बिट्टू लोहार,
तीसरा ओवर। लो लो तो वाइड पीछे अखिलेश मौजूद, वाइड का इशारा होगा, स्कोर पहुंचा। तैतीस रन स्कोर हो चुका है। चले बिट्टू लोहार आने कैच से, गोंडे के पास भोला जरूर मौजूद, वहां पर शानदार फील्डिंग भोला के, एक ही रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा। आराम से पहले पकड़ो भाई, 34 रन बांधा है, बांध कर रखा है। जी हाँ, जिस प्रकार बांध दिया गया था हनुमान जी को लंका के अंदर कि आप उसके बाद उसी प्रकार बांध कर रखा गया, लेकिन जब लगाया गया है बिल्कुल लोहार को, तो देखते हैं दूसरे कौन भारी पड़ता है। दोनों साथ में खेलते हैं, दोनों अगर लेवल के खिलाड़ी। अभी तो बिट्टू लोहार गेंदबाजी कर रहे हैं, पवन भागलपुर आ गए हैं स्ट्राइक पर, देखना है क्या बड़ा शॉट आएगा। यहाँ दोनों परफेक्ट ऑलराउंडर है, और ये शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, दोनों आमने सामने गेंदबाजी क्या है पवन के लिए, बिट्टू लोहार को तो पवन आज लग रहा है सभी को रेड बुल पिला के लाया है, रिंकू भी हमारे, क्या बात है, शानदार। चले गेंदबाज बिट्टू, इस बार फिर ब्लैक होल में डाली ये गेंद, सीधा कवर, एक्स्ट्रा कवर के पास, एक रन जरूर मिलता हुआ, स्कोर पहुंचा 35। भरोसा जताना पड़ेगा बल्लेबाजों को अपने लिए। तीसरा ओवर चलता हुआ, 116-117 लाइव देख सकते हैं मुकाबले को, आने वाले समय के और बड़े प्लेयर होंगे ये, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब और फेसबुक चैनल बड़े होंगे, और ये तो बार में सारा पहले ही नो बॉल हो चुका है। दूर कितना है कृष्णा मौजूद, लेकिन एक और नो बॉल का भी इशारा है ये, एक और नो बॉल इस समय जिसका खामियाजा भुगतना मिला मेजबान टीम को। दो रन मिलेंगे, 21 गेंद 80 रन चाहिए अब इस मैच। भाग्य का साथ मिला है अनिकेत सिंह को, भाग्य भी कह रहा है, किस्मत भी दर्शा रही है कि भैया तू कौ सका तोड़ कर कौ के दिखाओ तब हम जाने। अब अनिकेत सिंह मौका मिला है तो धोखा, और धोखा मिलने वाले को मौका नहीं देना चाहिए। हवा में गेंद इस बार कृष्णा, इस बार और इस बार फ्री हिट थी भैया, ये फ्री हिट थी, ये स्कोर पहुंच गया 38 रन। स्कोर में थोड़ा सा कमी आई है मुझे, जब से नित्य आउट हुए हैं थोड़ा सा मुझे पाबंदी वो अंकुश देखने को मिला है गेंदबाजों के द्वारा, रिंकू 11 के बल्लेबाजी का तो दमखम, बल्लेबाजी पक्ष में उतने रन निकल नहीं पा रहे, भले प्रयास बार बार बड़े बड़े शॉट्स के लिए किए जा रहे हैं, और जो देखिए फिर से देखिए बैटल का मैच नीचे बल्ला हवा में, नजरें कहीं और, घर बैठे तब नजर से खेलना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा भैया, जो सीजन में प्रैक्टिस करेगा वो। लेकिन शानदार शानदार कप्तानी, शानदार खेमा, शानदार कमिटमेंट इस समय देते हुए, चालू होने के बाद शानदार स्लो ओवर गेंद, इस बार ओवर का घोषणा, 3 ओवर के समापन के बाद 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरे अनुप से फेंकवावे ना जी, सही पड़ा तो फेंक लेवे धीरे से, अब भी चाहिए कम से कम 15 छक्के 14 छक्के, 18 गेंदे 14 छक्के। अनुप आए हैं चौथा ओवर लेकर सामने है मौजूद बल्लेबाज पवन भागलपुर, शानदार बल्लेबाज है ये, देख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए रिंकू 11 के गेंदबाजों के खिलाफ, किट पहने हुए हैं इस वक्त। चले अनुप, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, और इस बार फिर पड़ने के बाद थोड़ा सा मिस हुई वहां पर विकेट कीपर के हाथ से, एक रन और मिलता हुआ भाई के रूप में स्कोर पहुंचा। बहुत अच्छे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद अगर दिलीप को थोड़ा सा मैच होते हैं पहले बुलाया जाता बल्लेबाजी के लिए तो शायद एक अलग अंदाज देखने को मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे से अच्छा शायद कप्तान जानते हैं, लेकिन इस बार अनिकेत एक बार फिर हाथ खोलते हुए अनुप के लिए, स्कोर पहुंचा 45 रन। चौथा ओवर प्रगति पे है ये, अब तो छक्के की बारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, दो दो हाथ किए हैं तो कर दिखाना पड़ेगा। शानदार जानदार गेंदबाजी, ये देखिए इसको बोला जाता है गेंद बॉलिंग अटैक, बॉलिंग अटैक आप इससे सीखिए, जब आप बड़े बड़े मैचेस जब देखते हैं ना, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देखते हैं बड़े खिलाड़ियों के,
बीच में जब होते हैं तो वो देखते वो सीखिए आप युवा जो जुनून है जिनके पास जो खेलना चाहते हैं। अच्छा जी मिस हुआ वहां पर ड्रैग किट लगाना चाहते थे अखिलेश यादव लेकिन चौथा ओवर अभी भी प्रगति पर चलता हुआ। अनुप चले अनिकेत सिंह के लिए। अरे यार बाबू 170 मीटर के भाई ना पोलो जगह ना पिक भाई अब लिया छोड़े पर खल के अकाल गिरी हमारा हो जाता आज गिरी ना छोड़ मॉडल में गई बा दो बार वो फेंक गना लाग पटकला तो निकलते नहीं फेंकर पहुंच गया ये गलत ना बा 51 रन हो गए हैं भैया 51 रन अभी भी दो ओवर बाकी है कुछ भी हो सकता है ये मुकाबला ऐसा कुछ भी हो सकता है। शानदार स्लोअर गेंद चौका दिया उंगलियां घुमाई है गेंद पर अब आएंगे शायद बिट्टू लोहार मेरे हिसाब से उन्हीं को बुलाया जाएगा। 12 गेंद में 66 बारी पवन भागलपुर की आंख के कैमरा बनाओ के पड़ी काहे की अनहार तनी मनी होइए गेल बा इतना लौकत तो होई ना 12 गेंद में 66 रन चाहिए यानी कि 11 छक्के चाहिए लगातार लोहार चलते हुए एक दो गेंद आउट और मैच पहली गेंद ये पवन का छक्का पवन भागलपुर का ये शॉट देखिए स्कोर पहुंचा 57 बन सकता है बिल्कुल बन सकता है अगर जोश है दिल में तो कुछ कर सकता है अगर बनाना चाहे तो बन सकता है तो बनना पड़ेगा लेकिन बिट्टू लोहार इस समय तैयार इस समय एक और छक्का पवन भागलपुर उसी दिशा में फुलटॉस गेंद थी और छह रन है यहाँ गजियापुर के धरातल पर खेलने के लिए गौरी की टीम की तरफ से बैक टू स्कोर पहुंचा 63 बस इतने ही चाहिए चार छक्के और लगा दीजिए मुकाम बना दीजिए पहले वाले ओवर में बिट्टू लोहार भारी चलिए और इस ओवर में शानदार शॉट कवर के क्षेत्र पर कृष्णा मौजूद वहां पर एक रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंचा 64 अब बारी अनिकेत सिंह की तीन गेंदे अभी भी बची हैं इस ओवर की क्या तीन गेंदों पे तीन छक्के आएंगे राइट लॉन्ग द लेग का वाइड का इशारा स्कोर पहुंचा एक रन के साथ और 65 रन थोड़ा सा मुझे जो रन में ज्यादा लगा वो लगा कि नित्या के जो आखिरी सेकंड लास्ट ओवर था वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा साबित हो गया उनके द्वारा इस वजह से रन शानदार फुल टॉस गेम जरूर खेलना चाहते थे कहीं और लेकिन लीडिंग एज के पीछे पॉइंट क्षेत्र पर जाता हुआ विवेक यादव के पास एक रन और मिलता हुआ स्कोर पहुंचा 66 पवन भागलपुर क्या एक गेंद पर छक्का लगा के दिखाएंगे क्या छक्का लगाएंगे पवन भागलपुर चले पेट्टू लोहार के लिए नो बॉल होनी चाहिए ये तो अंपायर का इशारा नो बॉल है बिल्कुल जरूर हवा में ये गेंद है बिट्टू लोहार गेंद के नीचे है ये तो ऊपर मिला था छक्का वाला 68 स्कोर पहुंच गया है दो गेंद आ दो गेंद फेंक लो अच्छा देखिए जीतता वही है जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी और प्रदर्शन करता है जिसका भाग्य जिसकी किस्मत वो तो बात की अलग है लेकिन जिसका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा वही जीत जाएगा। कृष्णा मौजूद सीधा उनके हाथ में स्कोर पहुंचा 69 पवन भागलपुर स्ट्राइक पर चले गेंदबाज बिट्टू लोहार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन ओवर समाप्त की घोषणा 5 ओवर के समापन के बाद 69 रन क्या बात है क्या गेंदबाजी क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया यहां पर बिट्टू लोहार ने बल्लेबाजी से भी गेंदबाजी से भी शानदार जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भैया अंदाजे हुस्न की मलिका तो बहुत मिल जाएगी लेकिन कभी खेल में उतर कर देखिए तब पता चलता है कि उस माहौल की गर्माहट का सभी लोग क्या अंदाज होता है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल को भैया पानी पिला दीजिए हमारे खिलाड़ियों को फॉलो कर लीजिएगा पानी पिलाइए भैया अंतिम ओवर पर प्रदीप यादव और ये लीजिए भैया इस बार भोला के पास से ये गेंद सीधा एक रन और मिला स्कोर पहुंचा 70 एक दिवसीय मैच के लिए कमेटी का आयोजन जो है बहुत ही अच्छा कहा जाएगा समय से मैच को खत्म करा दिया दर्शक भी बहुत अच्छे खासी भीड़ थी पवन भागलपुर चलिए भैया
वाइट स्टॉप प्रयास चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। तो ये एक दिवसीय मुकाबला जो खेला गया आज के दिन का गाजियापुर में, उसको जीत लिया है जवाहर खान का फोन मेरे तो हिसाब से गोपालपुर ने शानदार रिंकू इलेवन का वो खेमा एक बार फिर अपना नाम बनाता हुआ एक दिवसीय मुकाबले के अंदर शानदार। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी इनको, जितने भी आगामी आने वाले मैचेस टूर्नामेंट्स हैं सभी के लिए, दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए, सभी खिलाड़ी जिन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शिता प्रभावित किया यहाँ पर सभी दर्शकों को अपने प्रदर्शन से, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैच खत्म हो चुका है, मैच जीत चुकी है रिंकू एंड कंपनी। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, सलेमपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? 20 रन।